So hello friends, today we will discuss about the aromatic electrophilic nucleophilic substitution. Okay. Normally जो benzene ring है आपका electrophilic substitution की reaction देता है. ठीक है, aromatic nucleophilic substitution की reaction बहुत आसानी से नहीं देता, लेकिन जैसे आप phenol की commercial preparation करते हैं या aniline की commercial preparation करते हैं, ठीक है, उसमें आपका nucleophilic aromatic substitution होता है. और इसका एक हमने जनरल रिएक्शन बना दी. ठीक है, हम लोग कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो यहाँ पर, या हाइड्रोजन हो और यहाँ एक्स पर फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, तो आपका स्पेसिफिक कंडीशन में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन हो जाएगी कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा. ठीक है, लेकिन ये SN1 SN2 से डिफरेंट होती है. SN1 और SN2 में क्या होता है, आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. यहाँ पर कार्बन sp2 है. दूसरा, आपका यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता है और लगातार रेजोनेंस में भी है, तो इसलिए ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये रिएक्शन होती है. तो इस इन रिएक्शंस को हम तीन स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट है आपका AR SN1, दूसरा AR SN2, तीसरा बेंजीन. ठीक है, AR SN1 को आप ये भी कह सकते हैं एलिमिनेशन एडिशन, ठीक, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, दूसरा आपका ये एडिशन एलिमिनेशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. बेंजाइन मैकेनिज्म आपकी अलग तरीके में लगती है. ठीक, तो नॉर्मली जो AR SN1 है ये आपकी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन होती है. ठीक है, और AR SN2 आपका